नमस्कार साथियों, बुंदेली हलचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है रजत सोनी जी, और ज्यादा अब उन्हीं से जानेंगे क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत वो बन चुके हैं और अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया है MPPSC का उसमें वो चयनित है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली हलचल में, और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अब एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आ रही है और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। सर वैसे तो मुझे जानकारी जो पहले जुटाई है वो बड़ा संघर्ष रहा है, फिर भी हमारे दर्शकों और जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं उन तक ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप पहुंचाना चाहेंगे जिससे उनको भी आसानी रहे आने की तैयारी करने में? सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कंसिस्टेंसी, एक नियतता बनी रहे अध्ययन में, पढ़ाई में और एग्ज़ाम के प्रति भी। इस तरह मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2013 से 2024 तक लगातार 10 वर्षों तक MPPSC की तैयारी करता रहा हूँ। इस दौरान मैंने लगभग 10 प्री दिए, मैंने 8 मेंस लिखे और 5 इंटरव्यू में गया, और ये 5वें इंटरव्यू में डिप्टी कलेक्टर पद को आखिरकार मैंने प्राप्त किया। और लगभग सर जो आपने तैयारी करी है वो कितने घंटे की? ये बड़ा सवाल आता है निकल कर कि जो हम सुनते रहते हैं इतने घंटे पढ़ाई करी, उतने घंटे, तो आप इतने किस तरीके से पढ़ाई करी, कैसे तैयारी करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे? इसके लिए मैं बिल्कुल रियल और एक तथ्यात्मक बात करूंगा कि मैंने जो पूरी तरह तैयारी की है वो मैंने जॉब करते हुए की है। मेरी जो पहली रिक्रूटमेंट थी वो सहोदरा शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट की थी। तो पॉलीटेक्निक कॉलेज में जॉब करना और उसके साथ पढ़ाई करना वो एक बहुत कठिन जॉब तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटी तो करना पड़ती थी। तो जब मुझे कॉलेज में वक्त मिलता था मेरी लैब हो जाने के बाद, तो मैं वहाँ भी अपना कम से कम 1 से 2 घंटे रोज़ प्रतिदिन कॉलेज में देता था। फिर घर आने के बाद एक रिलैक्सेशन करके एक नियत टाइम था कि नहीं, प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, प्रतिदिन कोई यूट्यूब पे कोई चैनल को सुनना है या करंट अफेयर करना है तो करनी है, उसमें कोई लापरवाही नहीं कि आज वो नहीं कर पाया या लाइट चली गई या कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं, उसको करना है। यदि रात में 12 बजे भी करके सोना पड़े तो 12 बजे भी करके सोते थे। तब शुरुआत कैसे की आपने, मतलब ये कैसे ख्याल आया कि ये हम परीक्षा दें और ये हम मुकाम हासिल कर सकते हैं? जी, शुरुआत के लिए 2007-08 से मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो तैयारी कर रही थी MPPSC की। उस समय मैं 11th 12th में था, वहाँ से ही मैं मुझे उसकी तैयारी की शुरुआत हुई। और मेरे पिताजी जिला पंचायत में रहे हैं, तो वहाँ जो वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर हैं वही अपर कलेक्टर उनके आते हैं CEO जिला पंचायत, तो वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। वहाँ से मैंने इस परीक्षा की शुरुआत की, और 2013 में मेरी इंजीनियरिंग कम्प्लीट होने के बाद मैंने पहली परीक्षा 2013 में माननीय सैलेंसर मंत्र अकेडमी के मार्गदर्शन में प्रारंभिक परीक्षा भी प्रथम प्रयास में निकाली, मुख्य परीक्षा भी निकाली, मैं साक्षात्कार तक भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट वेटिंग में रहा। और फिर मैं रुका नहीं, 2014-15-16 तीन परीक्षाओं में मैं प्री भी नहीं निकाल पाया, उसके बाद भी मैं रुका नहीं। 17 में फिर साइलेंसर के मार्गदर्शन में साक्षात्कार तक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने फिर से पुनः प्रयास किया और 2018 में मैंने नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया, और नायब तहसीलदार पद के साथ भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा, जैसे कोरोना में कुछ समय मिला जब पढ़ाई कर पाए, और भी अन्य ऐसे समय मिले, छुट्टी का दिन था, अवकाश का दिन था, और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए 2019 की परीक्षा भी दी। 2019 की परीक्षा हालांकि काफ़ी लंबे समय तक रही, लेकिन उसमें नियतता बनाए रखी, और 2019 में मैं जिला संयोजक के पद पर चयन हुआ। वर्तमान में दमोह में जिला संयोजक दमोह के पद पर कार्यरत हूँ, और इसी दौरान मैंने 2021 की परीक्षा पर भी फोकस किया, और 2021 में अंततः डिप्टी कलेक्टर पद को प्राप्त किया। सर आज के दौर में एक तो संस्थान होती है, कोचिंग संस्थान है, इनका बड़ा रोल हो गया है, और मतलब कहा ना जाए लेकिन कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में बच्चों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो आपसे पूछना चाहेंगे कैसे बच्चे चुनाव करें एक सही कोचिंग का? स्वाभाविक तौर पर संस्थाएं आजकल केवल एक पैसा कमाने का जरिया बन गई है, अधिकांश संस्थाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज के हित के लिए या छात्र के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनमें माननीय शैलेंद्र तिवारी सर का नाम लेना चाहूँगा। उनने भर हमें इस निःशुल्क मार्गदर्शन और निःशुल्क मार्गदर्शन के साथ भर हमें 24 घंटे उपलब्धता रहने वाली जो
स्थिति है वो निर्मित करी। तो मेरा कहना है कि यदि सब टीचर पैसे लें लेकिन यदि उसके साथ वो बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन दें और उनके पढ़ाई की ओर ध्यान दें तो बच्चे छात्र सिलेक्ट हो सकते हैं। और छात्रों को ही चाहिए कि वो किन संस्थाओं में जाएं और यदि वो कहीं फीस दे के जा रहे हैं तो वो उनका खुद सदुपयोग करें, ना कि केवल टाइम पास के लिए जाएं। सर एक अंतिम सवाल पूछूंगा, सागर शहर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और सागर का जो माहौल है पढ़ाई का वो किस तरीके से है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? सागर शहर एक वातावरण की दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से एक बहुत अच्छा हरा भरा शहर है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की एक विद्यापीठ है, नगरी है, तो ऐसे में सागर एक बहुत अच्छा शहर है और इस शहर के लोग भी अच्छे हैं। सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है, जिनमें मैं अपने माता पिता भाई बहन के साथ अपनी धर्मपत्नी का भी नाम लेना चाहूँगा, उन सभी के सहयोग के माध्यम से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल में। आप कैसा महसूस कर रही हैं आज जब सरकार सिलेक्शन हो गया है? बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, मेहनत सफल हुई। नॉर्मल लोगों से हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, पहले शादी नहीं हुई थी तो हमारी तो दीदी किया करती थी, इनका सहयोग दीदी ही पढ़ाती थी, दीदी ही सब कुछ करती थी। जब शादी हुई तो फिर 2019 से फिर हमारा साथ है, तो हम लोग साथ में पढ़ाई करना, ऑफिस की जो भी वर्क है साथ में करना, ऑफिस जाना जो भी है तो सब साथ में ही करते हैं। उस इस बीच में बच्चा भी है तो बच्चे को भी ध्यान देना, माता पिता है उनको भी ध्यान देना। सर का ये है कि हर एक चाहे कोई भी पहलू हो, जॉब हो, फैमिली हो, भाई बहन हो, सबके लिए 100% करने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। आज वो जहाँ पर है सभी की मेहनत है, विशेषकर मम्मी पापा का, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, उन्होंने तो जन्म से ही किया, फिर दीदी ने किया बहुत ज़्यादा संघर्ष, उन्होंने बहुत मेहनत की इनके पीछे, इनकी सफलता के पीछे मैम तो मम्मी पापा और दीदी ही है। हम तो अभी आए हैं, 5 साल ही हुए हैं और शैलन सर ने भी बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया, अप्रिशिएट किया कि नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने आज से 3 साल पहले कह दिया था कि 2021 के रिजल्ट में तुम डिप्टी कलेक्टर बनोगे, इसी जगह पर उन्होंने कह दिया था। सर के भी बहुत आभारी है, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। ये जो सर का एक कॉन्फिडेंस रहा वो काम आ गया जी सर, एक शब्द नहीं आ रहे है लेकिन पार्क ही है सर, जो कह देते हैं वो हो जाता है। और सबसे ज्यादा तो दीदी का भी धन्यवाद है, उन्होंने ही उनसे ही प्रेरणा मिली है इनके लिए। दीदी ही करती थी पहले पीएससी की तैयारी, उनसे सीखा, फिर उन्होंने सहयोग भी किया, शादी के बाद भी सहयोग किया। बहुत बहुत स्वागत है और ये अच्छी बात है कि पूरा परिवार से आज हम बात कर पा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है? सर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई का 10 साल का जो संघर्ष था और मेहनत थी वो सफल हो गई है। विकास खंड अधिकारी में सिलेक्शन ना होने के बाद से 8 BC तक का सफ़र उसने तय किया है, उसमें उसने बहुत मेहनत की है। मेरे मम्मी पापा भाई और सबसे ज़्यादा 5 साल से मेरी छोटी भाभी जो है बैजंती सोनी, उनका बहुत सहयोग रहा है। 24 घंटे वो लगी रही हैं भाई के साथ में, उनने फैमिली को भी देखा, बच्चे को भी देखा, हस्बैंड को भी देखा और उनके सपनों को पूरा करने में बहुत योगदान दिया है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और इसके अलावा सैलन सर की मैं बहुत आभारी हूँ और आज मेरा भी मेंस निकल गया है 2022 का, तो आज सर ने मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है इंटरव्यू के लिए। करीब 10 सालों से हम सर से जुड़े हुए हैं लगातार और सर जो कह देते हैं वो हो जाता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली हलचल में और निश्चित तौर पर आज आप खुद को भी एक बड़ा अच्छा प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि आपके जो विद्यार्थी हैं, और जब भी किसी गुरु का कोई विद्यार्थी सफल होता है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा खुशी उस गुरु को होती है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं रियल सोनी जी के लिए और क्या कहना चाहेंगे आपसे? मुझे एक बात याद आती है कि कहो भाई बात फूलों की क्यों कर रहे हो, कई साल ये कांटे के बिस्तर रहे हैं और मत भूलो ये मंदिर के देवता, कई साल वे सड़कों के पत्थर रहे हैं। तो जो मैंने रजत जी का संघर्ष देखा है तो आज डिप्टी कलेक्टर बनने पर निस्संदेह ये हम लोगों का बहुत पुराना लक्ष्य था जिसे हम लोगों ने पाकर हम दोनों गौरवान्वित हैं
और उसके पीछे जो परिश्रम था, उसके पीछे जो दिव्यांगता थी, वो हम लोगों के लिए साधन हमने बनाया उसी दिव्यांगता को, वही हमारा साध्य बनी, वही हमारा साधन बनी। और इस पूरे समाज, पूरे प्रतियोगी बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें एकाग्रता चाहिए ही पड़ेगी, हमें परिश्रम चाहिए ही पड़ेगी, और उससे भी अधिक हमें रजत जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए पड़ेगा, रजत जैसा विश्वास चाहिए पड़ेगा, और तभी हम इस रजत शिखर पर पहुंच पाएंगे। जब मध्य प्रदेश के सागर बुंदेलखंड बुंदेली हलचल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस उर्वरा में काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी बनने की संभावनाएं हैं, लोग अपने आप को पहचानें और बाहरी तामझाम से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा मोबाइल और इसके अध्ययन की बजाय बाहरी संस्थानों पर ना विश्वास करके अपनी अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी टेबल पर विश्वास करें, अपनी कॉपी, अपनी किताबों और अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करके एक बार परिश्रम के लिए जुड़ जाएं। हम अगले कुछ वर्षों में सागर को प्रशासनिक अधिकारियों की एक फैक्ट्री में तब्दील कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रदेश और शहर की हर छोटी